A very good morning to all of you, my dear friends. I am Kumar Supraveen and I warmly welcome to all of you to this KS Educational Hub. My dear friends, I hope that you all are doing good. Today we are going to discuss on memory-based puzzle that was asked in your NABARD grade examination जो आपका 19th of May को exam हुआ था और मुझे आप सबसे उम्मीद है कि आप ये puzzle फूक कर उड़ा देने वाले हैं, right? You will see it and you will do it. ऐसा condition है क्योंकि आपने इससे बहुत से बहुत टफ पजल इस प्लेटफॉर्म पर बनाया हुआ है और मैंने आज तक जो भी आपको पजल प्रोवाइड किया इसका लेवल और आप सबको जो प्रोवाइड किया है उसके लेवल में बहुत डिफरेंस है, राइट? बिल्कुल आप सबकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है और ऐसे पजल आप बिल्कुल इजीली डील कर सकते हैं. तो आप सबके सामने ये पजल है, पहले आप सबको खुद से प्रयास करना है और फिर आपको इसके सॉल्यूशन पर आना. मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल करेंगे, राइट? तो चलिए डायरेक्टली मूव किया जाए कि कैसे इस पजल को बहुत कम टाइम में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना चाहिए. व्हाट यू गॉट टोटल, यू नो, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर एट फ्रेंड्स हु प्ले डिफरेंट स्पोर्ट्स, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, चेस, पोलो एंड टेनिस एंड स्नूकर, राइट? ये आपका है एट टोटल गेम्स and they play these games in the month of January, April, July, November on either 15th or 30th of the same year. एक ही साल के ये आपके 4 months हैं, इसी में ये लोग क्या गेम प्ले कर रहे हैं. पहला देखिए, आपके पास क्या पता चला, जनवरी मंथ में आपका 15 और 30 होगा. जनवरी आपने लिख देना है, जनवरी आपने लिख दिया 15 और क्या 30, ये तो कंफर्म हो गया. आगे प्रोसीड कीजिए, अप्रैल मंथ की बात की गई थी, अप्रैल आपने लिख दिया, अप्रैल में भी आपने क्या 15 और 30 पुट कर दिया. फिर बात क्या गया, जुलाई बात किया गया आपसे, जुलाई में आपका 15 और 30. फिर लास्ट आपका क्या था मंथ, नवंबर, नवंबर में आपने 15 और 30 पुट कर दिया. यहां तक तो बात कंफर्म. अब आगे पढ़िए, देखिए क्या बोला गया, जी प्ले ऑन 15th ऑफ अ मंथ हैविंग 30 डेज. अच्छा, अब जब आपके पास ये 30 डेज की बात आ गई तो आप क्या कीजिए, पहले पता कर लीजिए कौन से मंथ में कितना डेज, 30 डेज, 31 डेज तो जनवरी में हो गया, अप्रैल में आपका 30 डेज हो गया, जुलाई की बात की जाए तो आपका क्या था 31 डेज और नवंबर की बात की जाए तो 30 डेज. अब जी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन था आपको, जी प्ले ऑन 15th ऑफ ए मंथ, जो 30 डेज वाला मंथ है उसके 15th मतलब डेट पे हो रहा है, 30 डेज तो आपका यह है और यह है, और इसमें से क्या आपका मे बी यहाँ जी हो सकता है या मे बी जी यहाँ हो सकता है. चलिए पहला कंडीशन क्या, जी को अगर यहाँ ले लेते हैं तो दूसरा कंडीशन जी का यह भी तो हो सकता है. मतलब दो कंडीशन को साथ में लेकर चलना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली किया जा सकता है. टू पर्सन प्ले बिटवीन जी एंड द वन हु प्ले वॉलीबॉल, दो पर्सन होंगे जी और वॉलीबॉल के बीच में, तो डायरेक्टली आप पुट कीजिए क्या वॉलीबॉल आपका कहाँ कंडीशन बन रहा है, यहाँ पर आपने क्या वॉलीबॉल यहां दे दिया, राइट? अगर यहां पर जी की बात की गई तो वॉलीबॉल क्या होगा, वन एंड टू का गैप छोड़कर वॉलीबॉल आपका कहां यहां हो जाएगा. और जब आपने वॉलीबॉल को यहां दे दिया फिर आगे प्रोसीड किए और देखिए क्या बोला जा रहा है, बी प्ले ऑन एन इवन नंबर ऑफ द डेट ऑफ अ मंथ हैविंग 31 डेज इमीडिएटली बिफोर ई, ई के ठीक पहले होना है बी को और बी क्या बोला गया 31 डेज वाले मंथ में ही होगा, लेकिन क्या बोला गया जब भी डेट होगा उसका तो इवन नंबर डेट होगा और इवन नंबर डेट आपको पता है क्या 30 होगा. अच्छा 31 डेज में आपका होगा मे बी आपका क्या बी यहां होगा या फिर बी यहां होगा, लेकिन ई के पहले होना है. अगर बी आप यहां लेते हैं तो यह 30 डेज तो हो रहा है, 31 डे वाले मंथ में भी हो रहा है, मतलब ई आपका यहां हो जाएगा और 31 डे वाला मंथ तो एक ये है, तो मतलब बी अगर यहाँ होगा तो ई पॉसिबल नहीं है यहाँ हो जाए, तो आपका क्या कंडीशन बनकर आया कि बी अगर यहाँ होगा तो उसके ठीक नीचे ई हो जाएगा. इस कंडीशन में आप चेक करें कि बी यहाँ तो नहीं हो सकता, मतलब क्या कंफर्म होगा कि बी आपका फिर कहाँ यहाँ 31 डेज वाले क्या 30 में हो जाएगा बी और फिर उसके ठीक नीचे आपका क्या कंडीशन ई का बन जाएगा. क्लियर, आगे प्रोसीड कीजिए, देखिए क्या बोला गया, फोर पर्सन प्ले between E and the one who play tennis. E और tennis के बीच में total 4 का gap होना चाहिए. अगर E आपका यहाँ है तो 1, 2 and 3 and 4, मतलब tennis आपका कहाँ यहाँ ठीक bottom position पे हो जाएगा. कहने का तात्पर्य यह था कि क्या 30th नवंबर के 30th में हो जाएगा. अच्छा यहाँ पर E है तो 1, 2, 3 and 4 tennis का कहाँ आपका position बन रहा है, यहाँ, मतलब क्या
जनवरी आपका 30th हो जाएगा। चलिए ये तो बात हो गई टेनिस तक की, आगे प्रोसीड कीजिए। क्या बोला गया, देर आर एज मैनी पर्सन बिफोर द वन हु प्ले टेनिस। टेनिस से पहले यहाँ पर कितने पर्सन, 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन हो रहे हैं, ये तो बात हो गया ठीक है। एंड आफ्टर द वन हु प्ले पोलो, मतलब सेम पर्सन बोला गया, क्या टेनिस से पहले और पोलो के बाद। टेनिस से पहले 7 देखा आपने, तो पोलो के बाद भी 7, तो पोलो का ये पोजिशन क्या बनेगा, जब 7 कब बन सकता है, पोलो टॉप मोस्ट पे हो जाए, मतलब क्या जनवरी के आपका 15th में हो जाए। यहाँ पर टेनिस से पहले आपने क्या देखा, 1, मतलब क्या पोलो के बाद भी 1, तो पोलो का कंडीशन यहाँ पर कहाँ बन जाएगा आपका, यहाँ पर बन जाएगा। आगे प्रोसीड कीजिए, 2 पर्सन प्ले बिटवीन एच एंड द वन हु प्ले पोलो, 2 पर्सन होना चाहिए एच और पोलो के बीच में, पोलो यहाँ है तो 2 पर्सन क्या आपका एच का पोजिशन यह बन जाएगा, और यहाँ पर अगर पोलो था तो 2 पर्सन 1 एंड 2 एच का पोजिशन कहाँ बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा। आगे क्या बोला गया, ओनली 1 पर्सन प्ले बिटवीन एच एंड ए, एच और ए के बीच में ओनली 1 पर्सन की गैप होना चाहिए, मतलब एच यहाँ है तो ए का पोजिशन तो यहाँ बनेगा, और अगर एच यहाँ है तो नीचे ए तो नहीं, मतलब क्या ए का पोजिशन आपका यहाँ बन जाएगा ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन हु प्ले आफ्टर ए इज ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ द पर्सन हु प्ले आफ्टर क्रिकेट, मतलब क्या क्रिकेट के बाद जितने भी पर्सन होंगे इसका 2 पर्सन होगा ए के बाद, अगर ए के बाद यहाँ पर क्या 2 पर्सन है तो मतलब क्रिकेट के बाद उसका हाफ, मतलब क्या 1, तो क्रिकेट आपका पोजीशन कहाँ बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा। इस पोजीशन में आपने क्या देखा, ए यहाँ है और ए के नीचे 1 2 3 4 5 6 पर्सन है, मतलब क्रिकेट में हाफ हो जाएगा क्योंकि 2 था ए, हाफ हो जाएगा मतलब 3 पर्सन, तो 1 2 एंड 3, मतलब क्रिकेट का पोजीशन कहाँ बन जाएगा आपका, यहाँ पर बन रहा है राइट। देखिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्टेटमेंट पढ़ते जाइए लिखते जाइए, इतना आसान आपके नाबार्ड में पूछा गया था राइट। आगे प्रोसीड कीजिए, द पर्सन हु प्ले हॉकी प्ले ऑन एन इवन नंबर डेट ऑफ इमीडिएट बिफोर डी। अच्छा हॉकी जो है वो इवन नंबर डेट में होगा लेकिन डी के ठीक पहले होगा, इवन नंबर डेट आपने क्या एक यहाँ पर बाकी है लेकिन डी क्या उसके नीचे हो सकता है, नहीं पॉसिबल है, इवन नंबर डेट यहाँ पर फुलफिल हो चुका, इवन डेट अगर यहाँ बात की जाए तो बिल्कुल खाली है लेकिन क्या नीचे डी हो सकता है, नहीं, और यहाँ पर आप दे ही नहीं सकते, तो मतलब क्या हमारा ये कंडीशन तो गलत हो जाएगा। अब आगे इस कंडीशन के थ्रू प्रोसीड करते हैं, क्या 30 में यहाँ पर तो खाली नहीं, यह एक खाली है उसके नीचे डी पॉसिबल है, और देख चेक कर लिया जाए यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर तो होगा ही नहीं क्योंकि डी नीचे नहीं हो सकता, मतलब आपके पास क्या एक ही कंडीशन यहाँ पर खाली है उसके ठीक नीचे ये बोला गया। और क्या बोला गया था कि पर्सन हु प्ले हॉकी, हॉकी आपका कहाँ हो जाएगा, इवन नंबर डेट और ठीक नीचे आपका बिफोर, मतलब क्या आपका यह देखिए कि हॉकी का कंडीशन यहाँ बनकर आ जाएगा और ठीक नीचे आपका डी का कंडीशन बनकर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे प्रोसीड कीजिए, ओनली 2 पर्सन प्ले बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में 2 पर्सन होनी चाहिए, 1 एंड 2 यहाँ तो नहीं हो सकता, तो मतलब क्या एफ का पोजिशन कहाँ हो जाएगा, यहाँ डी और एफ का आपने कर दिया। स्नूकर इज बीइंग प्लेड इन अ मंथ हैविंग 31 डेज। अच्छा स्नूकर कब खेला जा रहा है, जिस मंथ में 31 डेज, 31 डेज तो आपका 1 जुलाई में था, दोनों फुलफिल हो चुका है, तो आपका कहाँ बच रहा है, जनवरी में, तो स्नूकर अगर यहाँ तो फुलफिल हो चुका है, मतलब क्या स्नूकर यहाँ हो जाएगा, और स्नूकर जैसे यहाँ हो गया तो फिर आगे प्रोसीड कीजिए। और क्या बोला गया, देखिए बैडमिंटन इज बीइंग प्लेड आफ्टर द वन हु प्ले चेस, चेस के बाद होगा बैडमिंटन, दो ही प्लेस आपको खाली भी है, मतलब क्या चेस आप यहाँ डाल देंगे और बैडमिंटन आपका बॉटम मोस्ट पे हो जाएगा, बैडमिंटन राइट। ये हो गया कंफर्म। अब आपके पास क्या एक पर्सन की बात की गई थी, मतलब एक फ्रेंड आपका बचा हुआ है, कौन सा फ्रेंड बचा हुआ है बात कर लीजिए। देखिए ए बी और सी हम लोगों ने अभी तक कहीं नहीं डाला, बाकी तो सब कुछ हो चुका है, तो सी आपका क्या यह पोजीशन बन जाएगा। क्या आपको ये बनाने में 5 to 6 मिनट से ज्यादा लगता, कभी नहीं लगता ठीक है, आपने 5 to 6 मिनट में टोटल 5 मार्क्स भी ऑब्टेन कर लेना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और बिल्कुल इजीली इस पजल से डील किया जाता है, थोड़ा भी कॉम्प्लिकेशन नहीं किया था, थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, थोड़ा भी ट्रिकी नहीं था, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था राइट। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर होगा, और अगर क्लियर है या फिर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ चुका तो आप एक लाइक कीजिए, और अगर आप लोगों का लाइक मिलता है तो कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा खासा बूस्टअप होता है, और बाकी आपकी कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करनी है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आप लोगों का कॉन्फिडेंस अच्छा खासा बूस्ट कर दूंगा अच्छे खासे प्रैक्टिस कराकर राइट।
तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बताइए कि और आप लोगों को क्या चाहिए, या फिर कैसा आप लोगों को लग रहा है और मैं कैसे कंटिन्यू करूं, इन सारी चीजों का आप वहां से मुझे बता सकते हैं। तो आपका वैल्यूएबल जो फीडबैक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि आज के बदल से आप लोगों को आज जो अभी करंट ट्रेंड चल रहा है वो सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो बिल्कुल आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अच्छे से अच्छे पजल प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आपकी अच्छी खासी यहाँ से प्रैक्टिस हो जाए और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा, मतलब अच्छे से पजल में डील कर सके और अच्छा खासा स्कोर कर पाए। तो वी आर गोइंग टू मीट अगेन विद सम इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ पजल। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। सक्सेस आपको तब मिलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस आपकी क्या की है, सक्सेस की, राइट।